अगर तुम लोगों ने वन पीस मरीन फोर्ड आर्क देखा है तो उसमें एक बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था, जिसके बाद आई थिंक तो जो डाई हार्टेड वन पीस के फैन हैं जो इमोशनली इससे कनेक्ट कर पा रहे होंगे वो रोए होंगे बहुत जब इसकी डेथ हुई होगी। पर उसमें तो बहुत से फैंस के मतलब मन में एक थ्योरी जागी होगी या फिर एक सोच भी कह सकते हो कि ये रेली ने अपने कैप्टन के सन को क्यों नहीं बचाया। ये थ्योरी देखो मेरे हिसाब से मेरे मन में भी जागी थी, सबके मन में यही जागी थी कि ये क्यों नहीं आया। अगर रेली आ जाता तो आई थिंक व्हाइट बियर और रेली मिलके आराम से इसको बचा लेते और ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं आती, क्योंकि दो इतने पावरफुल ओल्ड जनरेशन के मतलब दो बंदे एकदम पावरफुल, जैसे रोजर ने टोर टू टोर व्हाइट बियर से बिठता था उसी तरह रेली मतलब गार्प से थोड़ा ही कम स्ट्रॉन्ग था पर हाँ अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग था, मतलब एक सारे एडमिरलों से ज्यादा अपना रेली स्ट्रॉन्ग था, फिर भी उसने आके कुछ भी क्यों नहीं करा। ये थ्योरी तुम लोगों के मन में आ रही होगी, मेरे मन में भी आ रही थी। पर ये थ्योरी बताने से पहले बताना चाहूंगा कि एक सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, वीडियो कमेंट कर बताना वीडियो कैसी लगी, नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना क्योंकि इसके बाद एक और थ्योरी डालने वाला हूँ उसकी नोटिफिकेशन तुमको मिल जाएगी। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखो रेली ने बजाय अपने कैप्टन के सन को बचाते हुए उसने मतलब जो क्रू से 5 मिनट पहले मिला था उसको उसने एक एडमिरल से बचाया, मतलब मैं लूफी क्रू की बात कर रहा हूँ, और वो अमेजोन लिली तक गया था वो हैनकॉक को बचाने, फिर भी वो अपने उतने अच्छे मतलब अपने कैप्टन अपने भाई जैसे कैप्टन के सन को क्यों नहीं बचाया उसने। देखो इसके आंसर बहुत हो सकता है, मेरे पास भी एक बहुत ही अच्छा आंसर है, जिसके बाद तुम लोगों के कन्फ्यूजन जो भी है वो सब मिट जाएगी और तुम भी रेली को दोष नहीं दोगे इस चीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत से फैंस अगर इस चीज़ के ऊपर हेट करें रेली को तो देखो वो जायज़ नहीं होगा। तो ये थ्योरी सुन लेना, उसके बाद अपने ओपिनियन बताना। देखो मेरे ख्याल से रेली को मालूम ही नहीं होगा कि ये और रॉजर का सन है, तुम क्या होगा क्यों, क्योंकि रेली तो उसके भाई जैसा था और लास्ट टाइम जब लोग मिले थे तो उसने उसको बताया होगा, पर ऐसा नहीं था। क्योंकि देखो एग्जीक्यूशन से पहले रेली से मिला था, जब उसने उसको बताया नहीं था ना रेली को उसकी गर्लफ्रेंड के मतलब वाइफ भी कह सकते हो ना, तो उसके बारे में बताना सन के बारे में, क्योंकि गार्प पे उसने रेली से ज़्यादा भरोसा करा, क्योंकि मालूम था कि गार्प एक मरीन का वो एड वो है तो इसलिए उस पर एस पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, जबकि रेली एक पायरेट है। अगर रेली जाता उधर आइलैंड पे एस को बचाने एस के लिए सब कुछ शक हो जाता और सब उसके पीछे जाते, पर गार्प गया तो किसी को शक नहीं हुआ और ना ही किसी ने एस पे शक करा कि वो ये मतलब वो हो सकता है रोजर का सन, इसलिए उसने अपनी मदर का नाम अपने नाम में लगाया, ना उसके पोस्टर से या उसके अपेयरेंस से अभी उसको लगा कि ये रोजर सन है, क्योंकि देखो किसी को नहीं लगा ना तक शैंक्स को तो ये चीज मालूम थी, फिर भी उसको ये चीज नहीं लगी। तो देखो ये थी एक थ्योरी, और बात करें लूफी की तो देखो शैंक्स ने लूफी के बारे में उसको बता दिया था और लूफी को देखते हुए उसको रोजर की याद आ गई, इसलिए उसने मालूम था कि ये फ्यूचर जॉय बॉय फ्यूचर पायरेट किंग है, तो इसलिए उसने उसको बचाना मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। तो देखो ये थी मेरी थ्योरी, थ्योरी पसंद आई तो एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर देना, कमेंट कर देना थ्योरी कैसी लगी। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।